वेलकम टू लिट लर्न बाय चेतना रमेश। आज हम देखेंगे एक शॉर्ट स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय आरके नारायण। आरके नारायण का जन्म 1907 में हुआ था और 2001 में उनका निधन हो गया। आरके नारायण इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटरों में से एक थे। वे राजा राव और मुल्क राज आनंद के साथ इंडियन इंग्लिश राइटिंग की त्रिमूर्ति मतलब ट्रिनिटी का एक हिस्सा भी थे। उन्होंने 15 नॉवेल्स, 6 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस, माइथोलॉजी और कई गद्य रचनाएं भी लिखी और उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड, पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे बहुत सारे पुरस्कार भी जीते। कहानी में तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर की कस्टमर और एस्ट्रोलॉजर की पत्नी। कहानी दोपहर से शुरू होती है जब ज्योतिषी टाउन हॉल पार्क में एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा है और वो अपने पेशे के सारे उपकरण फैलाता है। वे एक डजन कौड़े के गोले हैं, कपड़े का टुकड़ा है जिस पर रहस्यवादी चार्ट्स हैं, मिस्टिक चार्ट्स, एक नोटबुक और एक पालमेरा लेखन का बंडल भी है। उनका माथा पवित्र राख और सिंदूर से चमक रहा था और उसकी आंखों से भी चमक उठ रही थी। उन्होंने अपने सिर पर भगवा पगड़ी पहनी थी और ये रंग संयोजन ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कभी असफल नहीं हुआ। पार्क में कई तरह के लोग थे, जैसे दवाई बेचने वाले, चोरी के हार्डवेयर और कबाड़ बेचने वाले, एक जादूगर भी था, एक आदमी जो सस्ते कपड़े को नीलामी कर रहा था। ज्योतिषी के पास एक आदमी था जो बुनी हुई मूंगफली बेचता था और वो हर दिन अपनी चीजों को एक फैंसी नाम देता था, जैसे बॉम्बे आइसक्रीम, डेली आमंड और राजा डेलिकेसी। बहुत सारे लोग जो उसके आसपास इकट्ठा होते थे वे ज्योतिषी के पास भी जाते थे। उस जगह पर म्युनिसिपल लाइटिंग नहीं थी तो वहां रोशनी थोड़ा कम थी और वहां जो रोशनी और चलती हुई परछाइयों का विस्मयकारी आड़ा तिरछा माहौल था वो ज्योतिषी के लिए बहुत ही उपयुक्त हुआ करता था, क्योंकि वास्तव में वो बिल्कुल भी ज्योतिषी था ही नहीं और वो सितारों के मामले में उतना ही अजनबी था जितना कि उनके इनोसेंट कस्टमर्स थे। वो कई साल पहले बिना किसी को बताए अपना गांव छोड़कर चला गया था। हालांकि वो एक असली ज्योतिषी नहीं था, लेकिन उन्होंने मानवीय परेशानियों का एक कार्यशील विश्लेषण किया था, जैसे शादी, पैसे और इंसानी रिश्तों की उलझने। उसने अपने कस्टमर्स को बिना कुछ कहे कम से कम 10 मिनट तक बोलने दिया और फिर ग्राहक की हथेली को देखते हुए कहा, कई मायनों में आपके प्रयासों के लिए आपको पूर्ण परिणाम नहीं मिल रहा है। ज्यादातर लोग उनकी बात से सहमत थे। या उसने सवाल किया, क्या आपके परिवार में कोई औरत है, शायद दूर के रिश्तेदार भी, जो आपके प्रति ठीक नहीं है? आप स्वभाव से उतावले हैं, लेकिन आप बाहर से कठोर दिखते हैं। और ये बोलकर वो तुरंत उनके मन को भा गया, क्योंकि हम में से सबसे नर्म भी ये सोचना पसंद करते हैं कि हम दिखने में सख्त हैं। मूंगफली बेचने वाले ने उसकी बत्ती की रोशनी बुझा दी और वहां से चला गया और वो जगह अंधेरी हो गई, सिवाय एक हरे रंग की रोशनी की किरण जो भटक के कहीं से आ रही थी। वो अपनी चीजें वापस बैग में डाल रहा था जब वो हरी रोशनी मिटा दिया गया। उसने अपने सामने एक आदमी को खड़ा देखा और एक संभावित कस्टमर को बांप लिया और कहा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, थोड़ी देर बैठो और मुझसे बातें करो, तुम्हारा कल्याण होगा। वो आदमी ने कुछ अस्पष्ट जवाब दिया, लेकिन ज्योतिषी ने निमंत्रण जारी रखा। तब वो आदमी अपनी हथेली ज्योतिषी के नाक के नीचे ले आया और कहा, अपने आप को ज्योतिषी मानते हो? तब ज्योतिषी ने चुनौती महसूस किया और आदमी के हथेली को हरी रोशनी की ओर मोड़ते हुए उसने कहा, तुम्हारा स्वभाव है, अरे ये सब बंद करो,
मुझे कुछ काम की बात बताओ। मैं प्रति प्रश्न केवल 3 पैसे लेता हूँ और जो तुम्हें मुझसे मिलेगा वो तुम्हारे पैसों के हिसाब से काफी अच्छा ही होना चाहिए। तब उस आदमी ने अपना हाथ वापस ले लिया और एक आना निकालकर ज्योतिषी के पास फेंक दिया और कहा, मेरे पास पूछने के लिए कुछ सवाल है और अगर मैं ये साबित कर दूं कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें वो आना ब्याज समेत लौटाना होगा। अगर तुम्हें मेरे जवाब ठीक लगे तो तुम मुझे 5 रुपए दोगे? नहीं। या 8 अने दोगे? ठीक है, लेकिन अगर तुम गलत हुए तो तुम मुझे उसका दुगना दोगे। अजनबी ने कहा, थोड़ा और बहस करने के बाद इस समझौते को स्वीकार कर लिया गया। ज्योतिषी ने स्वर्ग की तरफ एक प्रार्थना भेजी जबकि उस आदमी ने एक चुरूट जलाया। ज्योतिषी ने माचिस की रोशनी से उसके चेहरे की एक झलक पकड़ी। एक विराम था। वो आदमी अपने चुरूट के धुएं को खींचता बेरहमी से वहीं बैठ गया। ज्योतिषी को बहुत बेचैनी महसूस हुई। ये लो, अपने आना को वापस ले लो। मुझे ऐसी चुनौतियों का आदत नहीं है। मुझे देर हो गई है। उसने सामान बांधने की तैयारी की। तब दूसरी ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, अब तुम अपनी बात से बाहर नहीं निकल सकते। तुमने मुझे यहाँ पर से गुजरते हुए रोका है। उसकी पकड़ में ज्योतिषी कांप उठा और उसकी आवाज धीमी पड़ गई। आज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे कल बात करूंगा। तब दूसरी ने अपनी हथेली उसके चेहरे के पास अड़ा दी और कहा, चुनौती तो चुनौती होती है, बोलते चलो। सूखते हुए गले से ज्योतिषी आगे बोला, एक औरत है। अरे ये सब बंद करो, मुझे कुछ काम की बात बताओ। क्या मैं अपनी खोज में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, इसका जवाब दो और जाओ, वरना मैं तुम्हारे सारे सिक्के छीने बिना तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ज्योतिषी ने कुछ मंत्र बड़बड़ाए और उत्तर दिया, ठीक है, मैं बताऊंगा। अगर तुम्हें मेरा कहा हुआ ठीक लगे तो क्या तुम मुझे 1 रुपए दोगे? नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा और तुम्हें जो ठीक लगे वो कर लेना। काफी सौदेबाजी के बाद दूसरा राजी हो गया। ज्योतिषी ने कहा, तुम्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया, क्या मैं सही हूँ? आगे बताओ। एक बार तेरे अंदर एक चाकू उतार दी गई थी। ज्योतिषी ने कहा, बहुत बढ़िया, आगे बोलो। और फिर खेत वाले पास के कुएं में तुम्हें धकेल दिया गया, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। मैं मर ही गया होता अगर कोई गुजरने वाला अकस्मात उस कुएं में झांकने नहीं लगता तो। दूसरे ने कहा, वो उत्साह से उफन रहा था। मैं उसे कब पकड़ पाऊंगा? अपनी मुट्ठी पोंछते हुए उसने पूछा। अगली दुनिया में, ज्योतिषी ने उत्तर दिया। तो 4 महीने पहले दूर के कस्बे में मर गया, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इस बात को सुनकर दूसरे ने एक कराह भरी। ज्योतिषी बोलता गया, गुरु नायक, तुम तो मेरा नाम भी जानते हो। दूसरे ने चौंकते हुए कहा, जैसा कि मैं अन्य सभी चीजों को भी जानता हूँ। गुरु नायक, मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारा गांव उत्तर की तरफ 2 दिन की यात्रा पर पड़ता है। अगली ट्रेन लो और चले जाओ। अगर तुम घर से बाहर निकले तो मैं तुम्हारे लिए फिर से एक बड़ा खतरा देख रहा हूँ। उसने एक चुटकी भर पवित्र विभूति निकाली और उसके आगे बढ़ा दी। इसे अपने माथे पर लगा लो और घर चले जाओ। कभी भी दक्षिण की ओर यात्रा मत करो और तुम 100 साल तक जीवित रहोगे। मैं फिर से घर छोड़कर यहाँ पर क्यों आऊंगा? मैं तो बार बार उसकी तलाश में निकलता था
और अगर वो मुझे मिल जाता तो उसका गला घोंट देता। उसने अफसोस के साथ सिर हिलाया और कहा, वो मेरे हाथों से बच गया। मुझे आशा है कि कम से कम जिस लायक था उसी तरह उसकी मौत हुई। हाँ, ज्योतिषी ने कहा, वो एक ट्रक के नीचे कुचल गया। इस बात को सुनकर दूसरा बहुत खुश हुआ। जब तक ज्योतिषी ने अपनी चीजें उठाई और उन्हें अपनी थैले में रखा, तब तक वहाँ सूना हो गया था। हरी रोशनी भी चली गई थी। उस जगह पर था सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। ज्योतिषी को मुट्ठी भर सिक्के देकर वो अजनबी रात में गायब हो गया था। जब ज्योतिषी घर पहुंचा तब आधी रात थी। उसकी बीवी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी और उसने देर से आने की वजह पूछा। ज्योतिषी ने उसकी तरफ सिक्के उछाल दिए और कहा, इन्हें गिनो, ये सब एक आदमी ने दिया है। 12:30 आने, उसने गिना और कहा, कल मैं थोड़ा गुड़ और नारियल खरीद सकती हूँ। बच्ची कई दिनों से मिठाई मांग रही है, मैं उसके लिए कुछ बढ़िया चीज बनाऊंगी। उस कमीने ने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझसे 1 रुपए का वादा किया था, ज्योतिषी ने कहा। उसकी बीवी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम परेशान दिख रहे हो, क्या कुछ गड़बड़ है? कुछ नहीं। रात को खाने के बाद प्याल पर बैठे ज्योतिषी ने अपनी बीवी से कहा, क्या तुम जानती हो कि आज मेरा एक बड़ा बोझ उतर गया। इतने सालों से मैं सोच रहा था कि मेरे हाथों पर एक आदमी का खून था। यही कारण था कि मैं घर से भाग गया, यहीं बस गया और तुमसे शादी कर ली। वो जिंदा है। वो हांफने लगी। तुमने मारने की कोशिश की? हाँ, अपने गांव में, जब मैं एक बेवकूफ युवक था। हमने एक दिन शराब पी, जुआ खेले और बुरी तरह से झगड़ा किया। अब इसके बारे में क्यों सोचें? सोने का वक्त हो गया, उसने जम्हाई लेते हुए कहा और प्योल पर लेट गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि आर के नारायण की कहानी में एटमॉस्फेयर, कैरेक्टराइजेशन, सस्पेंस और स्ट्रक्चर भी शामिल है। कहानी एक रोमांचक मोड़ के साथ समाप्त होती है, जहां एक खून का शिकार अपने ही खूनी से बदला लेने के बारे में सलाह लेता है। विडम्बना और व्यंग के उस्ताद है आर के नारायण। और इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द स्टोरी, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय आर के नारायण।